हेलो एवरीवन, अभी कुछ दिन पहले बच्चों का वेकेशन चल रहा था तो हम लोगों का घूमने का प्लान हुआ। तो हम लोगों ने नैनीताल जाने का प्लान किया। तो नैनीताल जाने का प्लान इसलिए भी हो गया क्योंकि वहाँ मेरा भैया रहता था रानीखेत में, तो वो काफ़ी दिनों से बुला भी रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर हम लोग नैनीताल ही घूमाते हैं। तो वहाँ की बहुत सारे मैंने वीडियो लिए थे तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही। ये जो क्लिप्स है ये हल्द्वानी से हम लोग जब रानीखेत जा रहे थे, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा भैया वहाँ रहता है, तो हम लोग रानीखेत जा रहे थे उसी के पास हल्द्वानी से। तो वहाँ रास्ते की ये सब पहाड़, ये पेड़, ये सब जो आप देख रहे हैं ये सुंदर सुंदर सी, ये वही रास्ते से हम लोग जाते हुए। वहाँ के तो सारे सीनरीज इतने अच्छे थे कि सारा मन हो रहा था कि कैप्चर कर ले, बट सारे तो कैप्चर कर नहीं पाते हम। तो फिर भी जो भी थोड़े छोटे छोटे से जो मैंने किया है वो आपको मैं दिखा रही हूँ। फाइनली हम लोग पहुंचने ही वाले हैं रानीखेत, और फिर हम लोग पहुंच के फिर फ्रेश हो गए और उसके बाद हम लोग थोड़ा रेस्ट कर लिए। और फिर भैया ने कहा कि यहाँ का कुछ गांव है, हम लोग वहाँ देखने चलते हैं। तो फिर ये जो आप सीन देख रहे हैं ये वही गांव का है। वहाँ की ऑर्गेनिक बहुत सारे जो फ्रूट्स थी वो हम लोगों ने खाया, और बहुत सारी वीडियोज तो मैंने बनाया ही नहीं किसी रीजन से। ये उसी गांव का सीन है, ये देख, यहाँ पे एक ब्रिज था उस गांव में। काफी शाम हो गई थी।
गांव देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग नैनीताल के लिए निकले। तो नैनीताल जब हम लोग जा रहे थे तो फिर ये सब कुछ सीन भी मुझे अच्छी लगी तो वो मैंने कैप्चर कर ली। फाइनली हम लोग नैनीताल पहुँच गए। ये नैनीताल लेक था जो बहुत ही खूबसूरत था। इस लेक में बहुत सारी मछलियाँ भी थी जो मैंने कैप्चर किया है। इसमें मैंने बोटिंग भी किया था तो वो भी वीडियो मैंने बनाया है वॉल पे, आप देखेंगे। ये देखिए कितनी सारी इसमें मछलियाँ हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर सी मछलियाँ थी। ये मेरा बेटा है जो लेक देख रहा है। मेरी बेटी चिप्स खा रही है। ये अभी हम लोग लेक के ऊपर थे। ये मैं हूँ। मेरा बेटा अभी थोड़ा डरा हुआ है बोटिंग करते टाइम। बोटिंग करने में हम लोगों को तो बहुत मजा आया। ये मेरी बेटी है जो काफी खुश है बोटिंग करने में। हाय कर रही है ये आप लोगों को। मेरा बेटा भी जो डरा हुआ था वो अब पानी से खेलने लगा, उसका डर अब कम हो गया थोड़ा।
ये शिंदी भी नैनीताल की है। जब हम लोग बोटिंग कर लिए उसके बाद यहाँ का जो सीन था वो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, तो फिर हम लोग यहाँ आके बहुत सारे फ़ोटोशूट करवाए हम लोगों ने, और यहाँ कुछ देर हम लोग बैठे, यहाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली बैठने से, हम लोग बहुत रिलैक्स फील किया यहाँ बैठ के। यहाँ मेरे हस्बैंड हैं जो मेरी बेटी को लिए हैं, और मेरा भैया, यहाँ मेरा भैया हम लोगों का फोटो क्लिक कर रहा है। अब हम लोग नैनीताल घूम लिए, अब हम लोग मुक्तेश्वर जाएंगे। हम लोग ये मुक्तेश्वर का पीस गार्डन है। ये देखिए सारे पेड़ हैं पीच के, इसे हम लोग आड़ू भी कहते हैं। ये मुक्तेश्वर का केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान था, जिसमें ये जो कमरा है इस संस्थान का लैब था, इसमें साइंटिस्ट लोग अपना रिसर्च करते हैं। यहाँ के साइंटिस्ट जो थे वो लोग हम लोगों को ये सारा दिखा रहे थे, उसके बाद ये साइंटिस्ट है ये बता रहे हैं, फिर उन्होंने हम लोगों को ये लेमन ग्रास ट्री है, ये वहाँ का ऑर्गेनिक लेमन ग्रास था, तो ये हम लोगों को उन्होंने पिलाया हम लोगों को, फिर हम लोग कुछ गप्पे शप्पे करने लगे। उसके बाद हम लोग एप्पल गार्डन गए, वो हम लोग फिर लेके, अभी एप्पल थोड़े पके नहीं थे, अभी कच्चे कच्चे से ही थे, एप्पल गार्डन के बाद हम लोग एप्रिकॉट गार्डन गए। यहाँ के ये जो साइंटिस्ट थे वो देखिए अभी हम लोग को एप्रिकॉट दिखा रहे हैं, ये देखिए एप्रिकॉट है, अभी ये भी कच्ची है, अभी पकी नहीं है। अब हम लोग आ गए मुक्तेश्वर के वेदर रडार को देखने। यहाँ पे मौसम की मॉनिटरिंग होती है,
चार घंटे पहले मौसम का पता चल जाता है। यही वो मॉनिटरिंग मशीन है। यहाँ हम लोग जब ये देखने आए थे तो यहाँ कुछ बॉटनी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स भी आए थे रडार को देखने। ये रडार उस टाइम नहीं थी जब केदारनाथ में प्राकृतिक आपदाएं आई थी, तो उस समय ये नहीं था मॉनिटरिंग मशीन, ये उसके बाद लगा है। मुक्तेश्वर के इस वेदर रडार के पास हम लोग हैं। ये सी लेवल से इसकी हाइट 2171 मीटर है। हम लोग इतने हाइट पे अभी हैं। यहाँ की आप हवा देख सकते हैं कितनी तेज चल रही है। यहाँ ठंड भी काफी लग रही थी। वहाँ के जो साइंटिस्ट थे वो हम लोगों को वहाँ के बारे में सब कुछ समझा रहे थे, बता रहे थे। अब हम लोग कौशानी आ गए। वहाँ हम लोग वैजनाथ टेम्पल में अभी हम लोग आए हैं। ये वैजनाथ टेम्पल के कैंपस में ही वैजनाथ लेक है, जिसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। यहाँ मछली को खाने के लिए खाना मिलता था, तो हम लोग वो डाल रहे हैं मछलियों को। हम लोग मछलियों को दाना दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ कितनी सारी मछली है, दाना डालने से ये लोग ऊपर आ रही हैं। ये मेरा बेटा अक्षित है। ये भी बहुत सुंदर सा लेक था। यहाँ हम लोगों ने मछलियों को खाना खिलाया और बच्चों ने मस्ती की। बैजनाथ टेम्पल गोमती नदी के तट पर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर था। अभी हम लोग अभी मंदिर भी देखेंगे। अभी तो हम लोग लेक में ही, अभी हम लोग इसके बाद हम लोग मंदिर के कैंपस में जाएंगे। वहाँ फोटोग्राफी अंदर का मना था, इसी वजह से अंदर का मैंने फोटो नहीं लिया। बाहर का जितना पॉसिबल है वो वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सुंदर सा मंदिर था। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है।
वैजनाथ टेम्पल के बाद अब हम लोग कौशानी में कौशानी का शॉल फैक्ट्री एवं में जा रहे हैं। ये कौशानी शॉल फैक्ट्री है, वहाँ का ये ग्रामीण हाट था, वहाँ हैंडमेड सब सामान वगैरह मिलते रहते थे, बहुत ज्यादा सारे हैंडमेड। यहाँ ऑर्गेनिक भी बहुत सारे आइटम मिल रहे थे। का फेमस जो जूस था वो बुरांस का जूस था, वो वहाँ हम लोगों ने टेस्ट किया, वो जूस पिया और फिर यहाँ इस स्टॉल पे यही सब मिल रहे थे, बुरांस जूस वगैरह जो ऑर्गेनिक आइटम्स होते हैं, बहुत सारे लेमन ट्री ग्रास वगैरह, एप्रिकॉट स्क्रब, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिक आइटम्स थे। मैंने कुछ यहाँ से लिया भी। यहाँ हैंडमेड आइटम भी बहुत सारे थे, देखिए जैसे जूट के बैग्स वगैरह थे, यहाँ हैंडमेड सारे ये स्वेटर थे, कार्डिगन थे, यहाँ की लेडीज शायद ये सब बनाती थी। इधर शॉल का भी था, इसमें सारे शॉल हैंडमेड थे। यहाँ हम लोग कुछ खरीदारी भी कर रहे हैं। यहीं से नीचे चाय का बगान भी था, जो हम लोग नीचे नहीं गए, हम लोग यहीं से उसको शूट थोड़ा सा कर रहे थे। ये अब हम लोग आ गए गांधी आश्रम, कौशानी में ही ये था गांधी आश्रम। इस जगह से पूरा हिमालय दिखता है, यहाँ से खड़े होके हम हिमालय देख सकते हैं, लेकिन अभी उतना नहीं दिख रहा था, थोड़ा थका हुआ था।
अब हम लोग गांधी आश्रम में एक म्यूजियम बना हुआ था जहाँ पे फोटोग्राफी मना था, इसीलिए